सिंह यादव, स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट चेयरमैन। जैसे कि हमारी संस्था पहले दिन से ही गरीबों को कच्चा और पक्का राशन वितरण कर रही है, हमारे 40 वॉलेंटियर हैं जो डेली सेवा कर रहे हैं, डेली घरों तक कच्चा राशन पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग जो जगह जगह पुलिस के नाके बने हुए हैं, जीरो पॉइंट आपका कोसी पे और पुल पार करके, वहाँ पर हमारी संस्था की तरफ से 100-100 पैकेट पके हुए खाने के वहाँ पे हम डिब्बे पैक रख देते हैं, जो वो अपने ही हाथों से जो बस आती हैं उनको देने का काम चल रहा है। और जो हमें रास्ते में भी मिलते हैं, कोई टेम्पो से जा रहा है, कोई रिक्शे से जा रहा है, लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए नियम के हिसाब से सब लोगों को हम पक्का भोजन मुहैया करा रही है हमारी संस्था। डेली हमारी संस्था का कार्य चल रहा है और जैसे कि 5वां लॉकडाउन भी चालू हो चुका है, तो हमारी ट्रस्ट के सारे वॉलेंटियर, स्वयं खुद मैं जाता हूँ साथ में, और डेली खाना वितरण चल रहा है। अभी भी हम लोगों ने रोडवेज पे काफ़ी सारे लोग थे तो पका हुआ खाना डिब्बे में पैक करके, खुला हुआ हम खाना नहीं वितरण कर रहे हैं, पका हुआ डिब्बे में पैक कर रहे हैं, और डेली हमारी संस्था ये काम कर रही है। और साथ में हम उन लोगों को एक एक मास्क भी देने का हमारी ट्रस्ट की तरफ से चल रहा है और समझा भी रहे हैं, और डेली हमारी ये सेवा चल रही है और चलती रहेगी। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये मुसीबत की घड़ी ख़त्म हो। और प्रशासन पूरा जी जान से लगा हुआ है, प्रशासन हर मोर्चे पे खड़ा हुआ है, हर उन परिवारों के साथ जगह जगह पर प्रशासन भी बहुत हेल्प कर रहा है, राशन भी पहुंचा रहा है, पका हुआ भी पहुंचा रहा है, जगह जगह रसोईयां चल रही हैं। तो हमारी संस्था का तो प्रयास यही है कि कोई भूखा ना रहे, पानी और पका हुआ राशन का वितरण हमारी संस्था का।